बड़ी मर्फी पड़े मसीहा सेथ रॉलिंस के चरणों में आर्थ्रूथ ने किया है ब्रॉक लेसनर से कन्फ्रंट और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज मंडे राइट रॉ के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस आज की रॉ हो चुकी खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी बैलेंस्ड रॉ थी। आज की रॉ के अंदर दोस्तों ड्रामा भी था, एक्शन भी था और फन भी था। तो सबसे पहली चीज जो कि आज की रॉ के अंदर देखने को मिली है वो थी दोस्तों रैंडी ऑर्टन का प्रोमो। तो रैंडी ऑर्टन आया जहां वो एक प्रोमो काटते हैं। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों एजे स्टाइल्स को बर्बाद करने की बात करते हैं कि तभी दोस्तों वहां एजे स्टाइल्स भी आ जाते हैं। दोनों के बीच दोस्तों नोकझोंक हो ही रही थी कि गाइस वहां हमें देखने को मिलती है ड्रू मैकइंटायर की एंट्री। ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि वो वहां बातें करने के लिए नहीं आए, वो वहां फाइट करने के लिए आए हैं। और इसके बाद हमें तीनों के मध्य एक ट्रिपल थ्रेट देखने को मिलता है, जो कि इससे पहले एक सिंगल्स मैच माना जा रहा था रैंडी और एजे के बीच में, वो दोस्तों अब ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रैंडी वर्सेस एजे बन चुका था मैच होता है। मैच के अंतिम क्षण में दोस्तों ये थिंग देखने को मिलती है कि एजे स्टाइल्स वहां रैंडी ऑर्टन को आरकेओ जड़ने के लिए जाते हैं कि रैंडी ऑर्टन उन्हीं का फिनिशर उन्हें लगा देते हैं, यानी कि स्टाइल्स क्लैश। अब जैसे ही फिनिशर लगता है उसके बाद दोस्तों ड्रू मैकइंटायर वहां टीम को तोड़ डालते हैं और ये थिंग देखने को मिलती है कि रैंडी इवेंचुअली आरकेओ जड़ ही देते हैं एजे स्टाइल्स को, बट वो सामने से आ रहे ड्रू मैकइंटायर को नहीं देख पाते, उन्हें लगती है क्लेमोर। वहीं दोस्तों ड्रू मैकइंटायर क्या करते हैं कि आरकेओ से पड़े हुए एजे की पिन कर डालते हैं और वहां से जीत कर निकल जाते हैं। तो यहां दोस्तों ड्रू मैकइंटायर का जो बड़ा पुश है, जो कि काफी समय से रूमर था, वो उन्हें मिलना स्टार्ट हो गया। बात कर लीजिए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस बैकस्टेज देखने को मिलते हैं जहां वो एओपी के मुस्टंडो को काफी ज्यादा हाइप कर रहे थे और ये चीज बता रहे थे कि आज उन्होंने कैसे सभी के सामने स्टैंडर्ड रखना है। बात कर लीजिए उसके बाद क्या हुआ, तो गाइस उसके बाद हमें एक सिंगल्स कॉम्पिटिशन देखने को मिला जहां दोस्तों मोजो राउली फेस किए रिकोशे को। रिकोशे एक दो हफ्ते से नहीं दिख रहे थे, वो छुट्टी पर थे, यहां दोस्तों वो दिखे और उन्होंने फेस किया दोस्तों मोजो को और मोजो को इसमें आसानी से हरा भी दिया। बात कीजिए उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस उसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस सेरा लोगन के मध्य वन ऑन वन मैच देखने को मिला। इसके अंदर सेरा लोगन की एक ने चली और वो इस मैच को हार गई। तो इस तरीके से दोस्तों क्वीन शार्लेट फ्लेयर की तगड़ी जीत हुई। अब तगड़े से याद आया दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक तगड़ा ऑफर है, तो गाइस नाम है 1xbet। 1xbet एक तरीके की बेटिंग वेबसाइट है जिसके अंदर दोस्तों आप कई खेलों के ऊपर सट्टा लगा सकते हैं और एक ह्यूज अमाउंट जीत सकते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज है तो अभी के अभी इसके अंदर रजिस्टर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे दिए प्रोमो कोड के जरिए रजिस्टर करते हैं तो आपको मिलता है 100 USD, जो कि आप इसके अंदर आसानी से यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें विड्रॉल का तरीका भी काफी ज्यादा आसान है, तो देरी किस बात की दोस्तों, लिंक नीचे पिंड कर रखा है, अभी के अभी जाइए और रजिस्टर कीजिए और लाभ उठाइए। बट गाइस बात कीजिए उसके बाद का कुछ हुआ, तो गाइस उसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला वो था रूसेफ वर्सेस लैशली के मध्य, जहां सबसे पहले दोस्तों हमें मैच के अंदर ये थिंग देखने को मिलती है कि थिंग्स काफी सही चल रही थी। वहां लिव मॉर्गन नहीं आ रखी थी, वहां सिर्फ लाना थी और लाना लैशली को सपोर्ट कर रही थी। मैच कंटिन्यू रहता है, अंतिम क्षणों में थिंग देखने को मिलती है कि वहां जहां लाना काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी, लिव मॉर्गन की भी एंट्री हो जाती है, लेकिन लिव मॉर्गन नहीं जानती कि लाना कितनी शातिर है। लाना उनके ऊपर बियर उड़ेल देती है वहां फैन से लेकर, उसके बाद दोस्तों लिव मॉर्गन अंधी हो जाती है। वहीं रूसेफ जो रिंग के अंदर थे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पीछे से आते हुए, स्पीयर को नहीं भांप पाते, उन्हें लगता है लैशली की तरफ से स्पीयर 1, 2 और 3। वहां दोस्तों लैशली मैच को जीत गए। इस मैच के बाद दोस्तों हमें चीज बताई जाती है जब दोस्तों लिव मॉर्गन और रूसेफ गुस्से में आकर चैलेंज करते हैं वहां लाना और लैशली को, तो ये बताया जाता है अगले हफ्ते हमें इन दोनों टीम्स के मध्य मिक्स्ड मैच देखने को मिलेगा। बात कर लीजिए उसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस उसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की एंट्री। तो ब्रॉक लेसनर आज ऐसा प्रोमो काटे कि गाइस मजा ही आ गया। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों हमें काफी ऐसी थिंग्स देखने को मिली जो काफी इंटरटेनिंग थी। तो ब्रॉक लेसनर आए तो जहां दोस्तों उन्हें चेयर मिलती है बाकी के प्रदेशों में, इस प्रदेश में दोस्तों उन्हें काफी ज्यादा हेट मिली, काफी ज्यादा बू मिली। ब्रॉक लेसनर के जो एडवोकेट है पॉल हैमर, वो चीज कहते हैं कि ब्रॉक को हेट मत दो, ब्रॉक को बू मत करो, जिस पर उन्हें यू सक के नारे लगते हैं वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन फिर से रिंग के अंदर आते हैं, काफी ड्रामा देखने को मिलता है दोनों की तरफ से वहां, और फिर दोस्तों पॉल हैमर ये चीज कहते हैं कि रॉयल रंबल के अंदर उनका क्लाइंट उतरने वाला है, जिसका मतलब ये है कि वो एक नहीं दो नहीं 29 कंटेस्टेंट को अपना शिकार बनाएंगे। इस पर हमें ये चीज देखने को मिलती कि वहां थीम बच जाता है आर्थ्रूथ का। अब मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है, आर्थ्रूथ वहां आते हैं जो कि 24/7 चैंपियन है हमारे, रिंग के अंदर आते हैं, दोनों के बीच एक तरीके से फेस ऑफ सा होता है दूर से, और वहां दोस्तों आर्थ्रूथ बिना आंखें मिलाए प्रोमो काटना स्टार्ट कर देते हैं। आर्थ्रूथ कहते हैं कि
तुम चाहे जितने भी बड़े हो, जितने भी बड़े हो, मैं तुम्हें निकाल फेंकूंगा पॉल हैमन, जिस पर वहां ठाके निकल जाते हैं ब्रॉक लेस्टर के। ब्रॉक लेस्टर हंसने लग जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों वो काफी थिंग्स को हाइप करते हैं और ये चीज कहते हैं कि वो यानी कि 24/7 चैंपियन, 7/11 चैंपियन भी रॉयल रंबल का हिस्सा होगा और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा। इस पर पॉल हैमन उन्हें बीच में रोक देते हैं और ये बताते हैं कि देख भाई, मैं जो हूँ, मैं पॉल हैमन हूँ, मैं रेसलर नहीं हूँ, मेरा क्लाइंट यानी कि ब्रॉक लेसनर जो है वो रॉयल रंबल में उतरने वाला है, मेरा कोई भी इरादा नहीं है रॉयल रंबल में उतरने का। जिस पर दोस्तों आर्थ्रुथ के पसीने छूट जाते हैं और वो चीज़ कहते हैं कि हिस्ट्री में पहली बार 7/11 24/7 चैंपियन अपना नाम वापस लेता है रॉयल रंबल से। जिस पर दोस्तों ब्रॉक लेसनर और भी ज्यादा हंसने लग जाते हैं। अब हंसी मजाक दोस्तों तब खत्म हुआ जब ब्रॉक लेसनर ने वहां सुप्लेक्स सिटी का मजाक उड़ा दिया, उन्होंने सुप्लेक्स सिटी को मिसस्पेल किया, जिसके बाद वो ब्रॉक लेसनर के काफी ज्यादा करीब चले जाते हैं और कहते हैं व्हाट्स अप ब्रॉक। और उसके बाद क्या होता है कि ब्रॉक लेसनर को आ जाता है गुस्सा, ब्रॉक उन्हें लगाते हैं क्लोज लाइन और उसके बाद F5 थोड़ी देर की वो भी सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी 24/7 चैंपियन बन जाऊं, लेकिन फिर वहां से वो निकल जाते हैं। जिसके अंत में दोस्तों में क्या थिंग देखने को मिलती है कि ब्रॉक लेसनर निकल चुके हैं, वहीं दोस्तों जो आर्थ्रुथ है उन्हें ले जाया जा रहा है कि तभी मोजो राउली दौड़ते हुए आते हैं रैंप के ऊपर और अटैक कर देते हैं आर्थ्रुथ पर और आर्थ्रुथ की पिन करके वो वहां से निकल जाते हैं। अब मोजो राउली बन चुके हैं 24/7 चैंपियन। बात कर लिया उसके बाद कौन सा मैच हुआ, तो गाइस उसके बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला वो था वाइकिंग रेडर्स वर्सेस बॉलीवुड बॉयज के मध्य एक टैग टीम मैच। ये मैच ज्यादा देर तक नहीं चला, इसके अंदर दोस्तों वाइकिंग रेडर्स ने गंदी धुलाई कर दी वहां सिंह ब्रदर्स की और इस तरीके से वाइकिंग रेडर्स इसमें विजय रहे। बात कर लीजिए इसके बाद क्या कुछ हुआ, तो गाइस इसके बाद हमें देखने को मिला कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बिटवीन बेकी लिंच एंड आस्का। सबसे पहले बेकी लिंच रिंग के अंदर आती है और आस्का का इंतजार करती है, आस्का अपनी फ्रेंड के साथ आती है और आते ही सार दोस्तों उन्होंने एक ऐसी थिंग कर दी जो कि काफी चीप थी, उन्होंने ग्रीन मिस्ट फेंक दी बेकी लिंच के ऊपर, बेकी लिंच हो गई अंधी और वहां से दोस्तों आस्का निकल जाती है और बेकी लिंच अंधेपने में दोस्तों एक तगड़ा प्रोमो कार्ड देती है, वो चीज कहती है कि वो रॉयल रंबल के अंदर नस्तानाबूद कर देगी आस्का को। बात कर ली जाए इस थिंग के बाद क्या कुछ होता है, तो गाइस इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलती है वो होता है दोस्तों अंद्रादे और रे मिस्टीरियो का सेपरेट प्रोमो। तो सबसे पहले दोस्तों अंद्रादे जो है वो प्रोमो काटते हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर, जहां दोस्तों ज़ेलिना वेगा ये चीज कहती है कि रे मिस्टीरियो एक कायर है तभी वो मास्क के अंदर छिपा रहता है। वहीं दोस्तों रे मिस्टीरियो सेपरेट में एक अलग सा प्रोमो काटते हैं, उसके अंदर वो चीज बताते हैं कि वो उनसे उनका टाइटल छीनने वाले हैं। वही कमेंटेटर बताते हैं कि अगले हफ्ते इन दोनों के मध्य हमें देखने को मिलेगा लैडर्स मैच, जिसके अंदर US चैंपियनशिप होगी दाव के ऊपर और ऊपर लटकी हुई होगी। बात कर ली जाए इसके बाद कौन सा सेगमेंट हुआ, तो गाइस इसके बाद जो अगला मैच हमें देखने को मिला वो था मैच ऑफ द नाइट। एक ऐसा मैच जिसके बारे में शायद ही आपने सोचा होगा कितना ग्रेट वो जाएगा, और वो था बड़ी मर्फी वर्सेस अलस्टर ब्लैक। ये मैच दोस्तों इतना बढ़िया था कि इस मैच के बाद जो लोग थे उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दी है। मैच के अंदर दोस्तों कई ऐसे मोमेंट्स थे जहां लगता है बड़ी मर्फी जीत जाएंगे, कई ऐसे मोमेंट्स थे जहां लगता है कि अलस्टर ब्लैक ने यहां जीत अर्जित कर ही ली समझो, लेकिन दोस्तों अंत होता है दो ब्लैक मास्क के जरिए जहां दोस्तों बड़ी मर्फी पिन को नहीं तोड़ पाते और अलस्टर ब्लैक मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद दोस्तों होता क्या है कि बड़ी मर्फी जो है वो सदमे में चले जाते हैं और बाहर निकलकर बैरिकेड से धासना देकर वो बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार मैं 4 से 5 बारी अलस्टर ब्लैक से हार चुका हूं, अब मैं आगे क्या करूंगा। वहां से अलस्टर ब्लैक निकल जाते हैं और हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट मैच जो कि था एरिक रोवन वर्सेस जॉबर के मध्य। इस मैच को दोस्तों एरिक रोवन ने जीत लिया और हमें ये थिंग भी देखने को मिली है कि बड़ी मर्फी अभी भी वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। इसके ठीक बाद दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रखा गया था, लेकिन दोस्तों बड़ी मर्फी वहीं बैठे थे, तो सवाल उठ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे, बट गाइज इसी में सारे जवाब छिपे हुए थे। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो रहा दोस्तों वो था एक फिस्ट मैच। इस मैच के रूल्स क्या थे, इस मैच के रूल्स ये थे कि जब रेफरी को लगेगा कि कोई एक टीम फाइट करने की पोजीशन में नहीं है तो वहीं वो मैच को रोक देगा। इसके अंदर कोई भी पिन फॉल्स नहीं होंगे, ना ही इसमें कोई सबमिशन होंगे, फिस्ट से इसका कोई लेना देना नहीं था। मैच होता है सबसे पहले दोस्तों हमें थिंग देखने को मिलती है कि बिग शो को एंट्रेंस पर ही AOP और सेथ जकड़ देते हैं और पिटाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि तभी वहां से आ जाते हैं केविन ओवंस और समोआ जो जो कि दोस्तों कैंडोस्टिक से वहां पिटाई करने लग जाते हैं तीनों की और मैच बिगन हो जाता है। मैच के अंदर दोस्तों जहां बिग शो लड़ रहे थे सेथ रॉलिंस से रिंग के अंदर, वहीं दोस्तों जो बाकी के मेंबर्स है यानी कि AOP वाले और जो और आपके केविन ओवंस वो लड़ रहे थे रैंप के ऊपर, वहीं हमें केविन ओवंस की तरफ से एक तगड़ी डाइव देखने को मिल गई। उसके बाद दोस्तों समोआ जो ने भी एक तगड़ी डाइव लगाई,
वहीं रिंग के अंदर जो सेथ है वो गंदे तरीके से पिट जाते हैं बिग शो से। इसी पिटाई के बीच दोस्तों हमें मेन पॉइंट देखने को मिलता है मैच का, जहां सेथ रॉलिंस जो है वो बाहर की ओर गिरते हैं और बड़ी मर्फी की तरफ जाते हैं और बड़ी मर्फी से मदद मांगते हैं कि हमारी मदद कर दो, प्लीज हमारी मदद कर दो बड़ी। जिस पर देखने को मिलता है बड़ी मर्फी कुछ नहीं करते, जैसे दोस्तों बिग शो ने रिंग के अंदर ले जाते हैं और चौक स्लैम धरते हैं और जाते हैं अपने WMD पंच की ओर। वहां दोस्तों पीछे से लगता उन्हें एक तगड़े वाला लो ब्लो, बड़ी मर्फी रिंग में आ चुके थे। वहीं रैंप के ऊपर दोस्तों AOP वाले भी खड़े हो जाते हैं और वो समुआ जो और आपके केविन ओवंस को टेबल के ऊपर फोड़ डालते हैं। रिंग के अंदर दोस्तों अब लो ब्लो से गिरे बिग शो जो थे वो अकेले थे, AOP के मुश्टंडे रिंग में आ चुके थे। बिग शो ने दोस्तों फाइट बैक की कोशिश तो की लेकिन वो फाइट बैक नहीं कर पाए, उन्हें लगाए कर्ब स्टॉम्प। रेफरी ने देखा कि केविन जो और बिग शो उठने के हालात में नहीं है और उसने वहां बेल बजा दी, मैच खत्म हो गया। सेथ रॉलिंस AOP मैच को जीत गई। इस तरीके से मैच खत्म हुआ। मैच के बाद दोस्तों हमें थिंग देखने को मिलती है कि मसीहा की तरह सेथ रॉलिंस अपने हाथ फैलाते हैं और बड़ी मर्फी उनके गले लगते हैं, उसके बाद चारों अपने हाथ उठाते हैं। तो एक और मेंबर जुड़ चुका है सेथ रॉलिंस की गैंग में। अब जो एक गिमिक है सेथ का, ये वाकई में लेजिट लग रहा है। वो एक मसीहा के जैसे दिख रहे हैं, जीसस के जैसे दोस्तों वो रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे जीसस के साथ अनुयायी जुड़ते रहे वैसे सेथ के साथ अनुयायी जुड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है सेथ के साथ और कौन कौन जुड़ते हैं। पर गाइस आज की वीडियो इतनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ बखैर।